नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया। जी हां, दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे जो कि संपन्न हो गया, और दोनों ही सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान, दोनों ही विधानसभा सीटें जो हैं जदयू के खाते में एक बार फिर से चली आई। दोनों ही सीटों पर जदयू के प्रत्याशी जीत गए। जी हाँ, आरजेडी की हार हुई दोनों ही सीटों पर। आरजेडी की हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बुधवार को पटना से दिल्ली जाते वक्त लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे इलाज कराने दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो के बिहार से जाने को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने लालू और उनके परिवार पर सियासी वार किया है। ललन सिंह ने लालू परिवार की तुलना साइबेरियन पक्षी से की है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने दिवाली के दिन लालू फैमिली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बिहार के किसी भी संकट के वक्त, बाढ़ या कोरोना या कोई भी वक्त हो, क्यों ना हो, कोई भी वक्त, ये लोग दिल्ली के घर में दुबके रहते हैं। ललन सिंह ने कहा कि लालू और उनकी फैमिली नॉन रेसिडेंट बिहारी है, वे लोग केवल बिहार में प्रवास करने आते हैं। बड़ा हमला बोलते जदयू अध्यक्ष ललन सिंह नजर आए। जदयू अध्यक्ष ने लालू परिवार की तुलना साइबेरियन पक्षी से की है। जी हाँ, जदयू अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को सूबे की जनता की चिंता है, बिहार के विकास की चिंता है, इसलिए दिन रात काम में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि लालू परिवार की चिंता केवल माल यानी कि पैसा बनाने में है, जबकि हमारी चिंता बिहार को विकसित करने में है। गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू यादव पर इशारों ही इशारों में हमला किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही सीटों पर जीत के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। बुधवार को कल उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग केवल परिवार के बारे में सोचते हैं, हम लोग जनता के बारे में सोचते हैं, जनता जब तक मौका देगी हम लोग काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार कल लालू प्रसाद यादव पर इशारों ही इशारों में हमला बोलते नजर आए और आज जदयू अध्यक्ष ललन सिंह काफी गंभीर आरोप लगाते नजर आए, साथ ही साथ साइबेरियन पक्षी से लालू परिवार की तुलना भी कर दी। बड़ा तंज कसा है जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने। अब देखने वाली बात होती है कि ललन सिंह के इस बयान के बाद आरजेडी की तरफ से क्या कुछ पलटवार सामने आता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।